شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله ينفد ولنجزين قرآن مجید کی ایک آیت پڑی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی کی سمجھنے کی اور کی तोफ़ी क़ता फरमाए पिछले दर्स में मैंने एक बयान शुरू किया था एक मौजू शुरू किया था इंसानों में इख्लाफा बहुत ज़्यादा हैं इस पर, है। पर कोई इतफ़ा आगे फिर मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं है इसमें भी अख्तिलाफ है बहुत से कहते हैं ज़िंदगी नहीं है मर के ख़त्म हो के मिट्टी हो जाते हैं और बहुत से कहते हैं कि ज़िंदगी है फिर ज़िंदगी है तो कैसे है इसमें भी इख्तलाफ है हिंदू ये कहते हैं कि सात जन्म मिलेंगे हमें सात जन्म और जैसी ज़िंदगी आप गुजारेंगे अगला जन्म वैसा ही हो उसमें मैंने एक मिसाल दी थी कि अगर आप अहमकाना काम करके वो तो इस जन्म में अहमक हो गए ना अगले में क्या होंगे अगले में गधा होंगे आप आप नहीं क्या। जो जो ये काम करेगा तो अगले में क्या होंगे हिंदू ये कहते हैं ये तो कहते हैं कि अगले जन्म में कुछ होंगे क्या होंगे मेरा ख्याल ये कि अगर मैं हिंदुओं का के मजहब को की तशरी करता तो किताब लिखता कि भाई जो हमाकत वाले काम करेगा वो अगले जन्म में क्या होगा गदा होगा जो बहादुरी के काम करेगा वो अगले जन्म में उसको होना क्या चाहिए शेर होना चाहिए चालाक होगा अगले जन्म में क्या होना चाहिए लोमड़ी होना चाहिए उसको ठीक है खैर ये उनकी एक मज़हबी तालीमांत हैं हमें नहीं मालूम कि उन्होंने कहाँ से ली है ये लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है दलील का मकसद क्या होता है आप कहेंगे कि दलील तो हमारे पास भी नहीं है कि कब्र के पास जिंदगी कोई इस में कोई कोई टेस्ट हुआ ऐसा कोई मुर्दा जिंदा हुआ हो या कोई इंसान के बॉडी के अंदर ऐसे जरा दरियाफ्त हो गए हों कि भाई ये दोबारा भी जिंदा होगा तो दलील तो हमारे पास भी नहीं है बात यह है कि दलाइल की दो किस्में हैं ये खूब अच्छी तरह समझ लें दलाइल की बोलो भाई दो किस्में पूरी दुनिया में मुसलम है ये एक को दलील अकली कहा जाता है और एक को दलील नकली कहा जाता है अकली का मतलब लेबॉरटरी में एक चीज दरियाफ्त हो गई या आपने किसी चीज का मुशाहिदा कर लिया या आपने तहकीक की रिसर्च की मशीनें इस्तेमाल करके ये मुख्तलिफ तरीक़ों से और उस रिसर्च के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच गए और दलाइल से उसको साबित कर दिए जिसको साइंस कहा जाता है ये सब चीज़ें हो रही हैं और दलील की एक दूसरी किस्म है नकल ये दुनिया में जितनी गुमराही फैल रही है ये इस दूसरी किस्म के इनकार की वजह से फैल रही है जितनी गुमराही अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल नहीं कर रहा तो उसकी वजह भी यह है कि वो दलील नकली को दलील मानने के लिए तैयार नहीं है अगर मुसलमानों में कोई फिरकवारीत फैला रहा है चाहे वो कुरान और सुन्नत के नाम पे फैलाए चाहे वो हदीस के नाम पे फैलाए चाहे वो फिरकवारीत खत्म करने का लेबल लगा के फिरकवारीत फैलाए गड़बड़ कहाँ से हो रही है कि वो दलील नकली का इंकार कर रहा है जबान से नहीं कहेगा मगर हकीकत में वो इंकार कर रहा है तो ये जो नकली दलील है अब इसको समझें। ये है क्या उर्दू में नकल गलफ तो सुना होगा ना आपने कहा सुना है स्कूलों में सुना होगा नकल मार रहा है अगर स्कूलों में नकल ना होती तो लोगों को नकल का मतलब पता ही ना होता शुक्र है नकल होती है तो कम से कम नकल का मतलब पता है तो नकल मारना किसे कहते हैं वो कर रहा है तवज्जो करें आप लोग जो मैं समझाना चाह रहा अल्लाह करे बात समझा सकूं मैं जो कर रहा है वो आप वो ही अपनी कॉपी पे नकल मार के बोलो भाई उतार रहे अब जब आप नकल करके उसका सारा मवाद अपनी कॉपी पे मुंतकिल कर लेते हैं तो फेल होते हैं या पास बोलो भाई अब आपका इम्तिहान है बोलो भाई पास होते हैं क्योंकि आपने नकल मारी किस लिए बोले ना क्या हो गया यार पास होने के लिए मारी थी ना फेल होने के लिए थोड़ी मारी थी अगर आपको पता होता फेल होगा तो फिर थोड़ी मारते नकल एक सूरत में फेल होंगे कि जो बैठा हुआ कर रहा है ना वही गलत जवाब लिख रहा हो ठीक है। लेकिन अगर उसको जवाब ना आता तो वो खुद लिखने के बजाय किसी और की नकल मारता उसका इतने एतमाद के साथ बैठ के जवाब लिखना इसकी अलामत है कि उसको आता है और आपको नहीं आता आपको चूंकि नहीं आता आप समझ रहे हैं कि मेरे पास पास होने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अब यह रह गया है कि मैं सामने वाले की नकल मारू और आप इतफाक से पास हो जाते हैं पब्लिक शाबाश देती है आपको है कि ये मेरी, मेरा कमाल नहीं है ये उसका कमाल मैंने कैश कराया है इसको क्या कहते हैं दलीले बोलो भाई नकली अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की नकल मारा है किसी का मवाद नकल मारा है नकल वहां मारी जाती है जहां आपकी अपनी तहकीक या तो होती नहीं है या आप सिरे से तहकीक के अहल ही नहीं होते आपको पता है कि मैं तहकीक के बाद भी उस नतीजे तक नहीं पहुंच सकता मिसाल के तौर पर एग्जामिनेशन हॉल में कोई बंदा बैठा हुआ केमिस्ट्री का पेपर हल कर रहा है अब आपके पास दो रास्ते थे या तो आप साल भर केमेस्ट्री पढ़ के मेहनत करते और आप खुद से पेपर हल करते लेकिन आप पहली जमात पास भी नहीं है तो आपको बताए कि मैंने चूंकि पहली जमात भी पास नहीं की है तो मैं केमेस्ट्री के पेपर की तैयारी का अहल हूं ही नहीं मैं एक साल भी केमेस्ट्री की किताबें पढ़ूंगा तो भी इम्तिहान पास नहीं कर सकता फिर भी इम्तिहान नहीं पास कर सकता मैं तो आपने दो नंबरी तरीके से मैट्रिक में अपना एडमिशन करवा लिया नाइन्थ में यह मैट्रिक में आपके पास आठवीं का सर्टिफिकेट नहीं है सारे काम दो नंबर ही हो रहे हैं और अब आपके पास पास होने के लिए नकल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मैं साल भर भी केमिस्ट्री पढ़ के पेपर पास नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस तहकीक का अहल हूं ही नहीं इसके लिए पहले आठ क्लासें पढ़नी पड़ती हैं वो पढ़ूंगा तो यहां तक पहुंचूंगा बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है तो ये दोनों किस्म के लोगों की कामयाबी किस पे मुनहसर है नकल पे कभी ये नकल हराम होती है और कभी ये नकल जायज होती है स्कूलों में जब आप ये नकल मारते हैं तो ये हराम है ना जायज है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसकी इजाजत नहीं है और कभी ये नकल वाजिब होती है वाजिब होती है स्कूलों में वाजिब नहीं होती कभी ये वाजिब होती है अंबिया अगर हमें कोई बात बताएं कि भाई ऐसा होगा तो उनकी बात लेना बगैर तहकीक के बगैर दलील के लेना और आगे उसे नकल करना ये वाजिब है या नहीं है क्योंकि इस नकल का हमें किसने हुक्म दिया बोलो भाई अल्लाह ने और उसके उसके रसूल ने भी हमें हुक्म दिया तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं असल बात समझें कि दलील जो है ना कभी अकल से कोई चीज़ साबित होती है और कभी नकल से नकल का मतलब ये हुआ कि हम किसी ऐसे पर एतमाद करते हैं जिसको आता है जिसको पता है हमें पता नहीं है तो जिसको पता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं उसकी इतवा कर लेते हैं उसकी तकलीद कर लेते हैं ये सब एक ही चीज़ें हैं उनके नाम मुख्तलिफ हैं उसको तकलीद भी कह सकते हैं उसको इतबा भी कह सकते हैं उसको इंग्लिश में फॉलो करना भी कह सकते हैं भाई आप किसको फॉलो करते हैं मैं इसको फॉलो करता हूं मैं उसको फॉलो करता हूं मैं इसको फॉलो करता हूं तो ये एक ही चीज है नाम इसके क्या हैं बोलो भाई मुख्तलिफ। फॉलो किसी को उस वक्त किया जाएगा कि जब आपकी अपनी तहकीक ना हो या आप सिरे से तहकीक के अहल ही ना हो और ऐसे को फॉलो किया जाएगा यानी फॉलो करना किस वक्त जायज है इसकी दो श, तीन शर्तें हैं, ये नंबर जब भी आप किसी को फॉलो करेंगे ना तो तीन शर्तें पाई जाएंगी तो आपके लिए उसको फॉलो करना या उसकी तकलीद करना या उसकी इतबा करना या आपके लिए क्या हो जाएगा जायज हो जाएगा तीन शर्तें नंबर एक आप तहकीक के अहल ही ना हो एक ऐसा मौजू आपको दे दिया गया है कि वो आप में उसकी सलाहियत ही नहीं है सलाहियत ही नहीं है मिसाल के तौर पर आपके पास कोई शख्स आए और आपसे यह कहे कि भाई मेरे गुर्दे में पथरी है आप जरा तहकीक करके बताएं कि यह पथरी कैसे निकलेगी तो आप खुद से तहकीक कर सकते हैं आप डॉक्टरों की राय उसकी तरफ फेर देंगे गूगल पे जाएंगे हकीमों को सर्च करेंगे हकीमों ने क्या लिखा है पथरी निकालने का तरीका एलोपैथिक क्या कहती है पथरी निकालने के तरीकों में और डॉक्टर ये जो होम्योपैथिक क्या कहती है पथरी ये तीनों की तहकीकात आप क्या करेंगे मरीज को बता देंगे अपनी तहकीक नहीं होगी इन तीनों की तहकीक आप उन तक पार्सल कर देंगे इस पारसल करना ये असल में तहकीक नहीं है ये असल में नकल करना है मगर इसको मजाजन तहकीक कह दिया जाता है कि मैंने गूगल से तहकीक करके बताया कि पथरी निकालने का यह तरीका है हालांकि यह तहकीक नहीं है यह तकलीद है आई बात समझ में बाज दफा तकलीद को मजाजन तहकीक कह दिया जाता है कि भाई आपने चूंकि बटन दबाया है गूगल पे बैठे हैं तो गोया तहकीक कर रहे हैं वरना यह रिसर्च रिसर्च उनकी है जिनके अकवाल आप नकल कर रहे हैं उन्होंने तहकीक करके एक राय कायम की है उस तहकीक को नकल करना तहकीक नहीं कहलाता ये तिबा कहलाता है उसको फॉलो करना कहलाता है या उसकी तकलीद कहलाता है ये तहकीक नहीं कहलाता मगर इस अमल को क्योंकि हमने थोड़ी सी मेहनत की थी तो हम क्या कहते हैं मेरी रिसर्च है मुश्किल हो रहा है समझाना है हम क्या कहते हैं इसको भाई ये मेरी रिसर्च है मैंने गूगल से सर्च किया है गूगल से जो आपने सर्च किया इसको आप रिसर्च इसलिए कह रहे हो कि आपके बस में यही था लेकिन हकीकत में ये आपकी रिसर्च नहीं है रिसर्च तो डॉक्टरों की है हकीमों की है या होम्योपैथिक डॉक्टरों की है तो अब ये बात याद रखें इससे पता चला बाज दफा मुकलत को भी तहकीक करने वाला कह दिया जाता है तो लोग हम पे ऐतराज करते हैं कभी आप कहते हैं हम तकलीद करते हैं कभी कहते हैं तहकीक करके बताऊंगा तो ये तहकीक भी कर रहे हो तकलीद भी कर रहे हो ये तो दो अलग अलग चीजें हैं में तो ये अल्फाज में ना आजकल बहुत घुमाया फिराया जा रहा है तो अब आपसे किसी ने पूछा कि गुर्दों की पथरी कैसे निकलेगी आप गूगल से पूछोगे या डॉक्टर साहब से पूछोगे आप खुद तहकीक करना भी चाहो तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको सदियां आपको पहले एमबीबीएस डॉक्टर बनना पड़ेगा एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद आपको गुर्दों का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी आप मुहक नहीं कहलाएंगे फिर आपको यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा फिर वो आपको मुख्तलिफ मौजुआत पे लिखने के लिए देंगे आप उस पर तहकीक करके लाएंगे फिर वो आपको मुहक का खिताब देंगे कि अब भाई ये शख्स इस काबिल है कि अगर ये कोई थ्योरी पेश करता है या गुर्दों के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करता है तो वो सारी दुनिया उसको गौर से पढ़ेगी और सुनेगी वरना वो रिपोर्ट एक आम आदमी मैं अगर गुर्दों पर रिपोर्ट लिखू तो उसको सारे साइंसदान कचरे के डब्बे में डाल देंगे कोई भी उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा अब अगर मैं यहां बैठ के दावा करूं कि मेरी तहकीक है दुनिया में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है गुर्दों की तहकीक में यूट्यूब पे चैनल पे मैंने सारी दुनिया को खिताब किया है और सारी दुनिया को चैनल किया है और ये हमारे महल्ले का डॉक्टर भी उसको उसका जवाब नहीं दे रहे और अमेरिका के साइंसदान भी उसका जवाब नहीं दे रहे और जनाब उसका जवाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास भी नहीं है दुनिया क्या कहेगी आप हैं क्या आपको किसने कहा कि आप गुर्दों पे कोई तहकीक पेश करें आप फतवा दें ये तो कह सकते हैं कि गुर्दों के जो ट्रांस वो जो उसका मुंतकिल करते हैं ना गुर्दों को हाँ ट्रांस प्लांट करना कहते हैं उसको भाई यहां से वहां गुर्दे लगाना ये जायज़ है या नहीं है मुफ्ती साहब बस आप इस, इस हद तक आप अपनी राय पेश कर सकते हैं बाकी गुर्दे के बारे में मजीद तहकीकत यह आपका टॉपिक नहीं है ये किसका टॉपिक है ये डॉक्टरों का टॉपिक है ये आपका टॉपिक ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी टॉपिक नहीं है उसके भी एटम बम के बारे में पूछा जाएगा कहां फाड़ना है कैसे फाड़ना है कितनी जोर से फटेगा डॉक्टर साहब से अगर पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा तो अब अगर डॉक्टर्स मेरी बात नहीं सुन रहे और जवाब नहीं दे रहे तो क्या यह मेरे बरहक होने की अलामत हो सकती है बोलो भाई तो आजकल इंटरनेट पे छोटे छोटे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं बुखारी सामने रखी होती है हदीस का हवाला दे के ये यूं है तो ये यूं है ओलमा उनको लिफ्ट नहीं करा रहे तो लोग ओलमा से पूछते हैं कि ये आदमी पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं आप इसको लिफ्ट नहीं करा रहे भाई हमने इसको लिफ्ट करा लिया तो इसकी इज्जत माशरे में इसलिए बढ़ जाएगी कि इसको इसकोलमा ने लिफ्ट कराया है ये है कौन इसका अब्बा का नाम क्या है इसके दादा का नाम क्या है कहां से इल्म हासिल किया इसने इसको महक्क बना के बिठाया किसने है? एक सिर्फ दीन एक ऐसी चीज बन गया है जिसमें जो उठे मुंह उठा के आए सुबह सुबह कैमरा सामने रखकर एक क्लिप बना के मार्केट में फेंक दे और सारी दुनिया को काफिर और गुमराह कह दे और फिर उलमा फालतू बैठे हुए उसके जवाब लिखने के लिए ये है कौन इसको किस मदरसे ने सर्टिफिकेट दिया किस यूनिवर्सिटी ने तो ये फौरन जवाब में कहते हैं अबे ये सारे मदारिस ऐसे ही अबे ये सारे मदरसे सारे मौलवी अबे ये सब ऐसे ही हैं इनकी चूंकि दुम पे पांव रख के खड़ा हो गया ना वो इसलिए ये इतना चीख रहे हैं यही बात डॉक्टरों के बारे में कह दो तो अबे ये सारे डॉक्टर ऐसे ही हैं। ये वाला जो नया मार्केट में आया ना जो कह रहे है गुर्दे इधर होते हैं एक आदमी कह रहा था ना अक्ल ही दौड़े घुटने पे हाथ लगा के क्या कह रहा है? अक्ल ही दौड़े है तो उसने कहा अकल तो अब तक यहां तक हमने यहां सुना था अकल इधर होती है अक्ल उसने कहा अकल घुटने में होती है मेरी तहकीक है, है। ये किसकी तहकी है मेरी तहकी तो ये बात याद रखो ये बात याद रखो यूट्यूब जो है ना यूट्यूब या गूगल ये मुफ्ती नहीं है जो जो चीज लोग पूछ रहे हैं गूगल से पूछ के बता देते हैं यूट्यूब से पूछ के बता देते हैं जो मदारिस हमारे चले आ रहे हैं सदियों से हमारा दिन यतीम थोड़ी है सदियों से मदारिस चले आ रहे हैं सदियों से ामा चले आ रहे हैं दारोलिफ्ता है पूरा एक सिस्टम है सदियों से चले आ रहा है पहले कोई भी मसला पूछना होता था चाहे नमाज का हो तलाक का हो विरासत का हो लोग बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट से इदारे से रबता करते थे वहाँ लामा होते हैं वो आपको जवाब लिख के देंगे ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स इजारा कर ले और एक मुसलत होके बैठ जाए और फिर वो चैलेंज करना शुरू कर दे वो अहल नहीं है तहकीक का अहल ही नहीं है जब अहल नहीं है तो फिर उसको ये इजाज़त किसने दी है कि वो तहकीक करे पहले एहलीत होना ज़रूरी है उस एहलीत के लिए आपको बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं उसमें अरबी ग्रामर है अरबी पे आपको अबूर होना चाहिए आपने फकहा के अखबाल पढ़े हुए हैं उनके दलाइल बाकायदा मा की निगरानी में पड़े हुए हों और फिर आपको वक्त के ये सर्टिफिकेट दें कि आप इसके अहल हो उनकी गवाही होगी एम बी बी एस डॉक्टर जब कोई बनता है तो यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देती है सर्टिफिकेट देना इसकी जिम्मेदारी होती है कि अब ये ये पकड़ा जाएगा देखो मैं मिंबर पे बैठ के कोई गलत फतवा अगर दे दूं कोई भी गलत फतवा दे दूं तो मेरे पीछे पूरा इदारा है मुझे पकड़ने के लिए आप मेरी कंप्लेन करा सकते हैं कि भाई इन्होंने ये कहा है वो मुझसे पूछेंगे इसकी क्या दलील है जो आपने यहां बैठ के बात की है इसकी दलील क्या है पूरे मुल्क के उलमा मेरे खिलाफ हो जाएंगे और कम से कम इतना ऐलान कर देंगे कि भाई हम इससे दसबरदारी का ऐलान करते हैं यह तो हो जाएगा ना जब ओलमा दसबरदारी का ऐलान करेंगे भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो जो उन उना को फॉलो करने वाले हैं वो कम से कम मुझे फॉलो नहीं करेंगे लेकिन अगर आपका कोई है ही नहीं कोई ओलमा की एक पूरी जमात कह दे कि भाई हम मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं मानते ये गलत है ये हम, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं हम इसके जिम्मेदार नहीं है और मैं इस पर खुश होकर कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सबने सब ने बारात का ऐलान कर दिया क्योंकि असल में मैं सबको गलत कहता हूं ना इसलिए सबको तकलीफ बहुत हो रही है और मुझे किसी के किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं चूंकि मैं डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल को मानता हूं तो ये मेर, ये मेरा जुमला मेरी गुमराही पे मजीद मुहर लगा देगा इससे मेरा बरहक होना साबित बोलो भाई नहीं होगा यही हो रहा है इंटरनेट पे ऐसे ऐसे नौजवान लोग आ रहे हैं उनको कहा जाए ना उलमा आपको नहीं मानते सब उलमा आपकी मुखालफत कर रहे हैं कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी खुशी है कि ये मौलवी मुझे नहीं मानते मुझे इसकी क्योंकि मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात करता हूं इसलिए मौलवियों को तो तकलीफ होगी अब अब ये दलील जो उसके गुमराह होने की है वो अपने बरहक होने की दलील के तौर पर पे पेश कर रहा है अजीब बात है भाई सारे वलामा आपसे दसबरदारी का ऐलान कर दें सारे डॉक्टर किसी डॉक्टर से दसबरदारी का ऐलान कर दें तो मानोगे कि नहीं मानोगे बोलेंगे सारे डॉक्टर कह रहे हैं ये दो नंबर है आप कह सकते हो भाई फला डॉक्टर ने पैसा खाया हुआ है तो फला ने खाया होगा ना क्या उसने भी खा लिया उसने भी खा लिया सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया जैसे सारे डॉक्टर गलत नहीं हो सकते सारे हकीम गलत नहीं हो सकते सारे होम्योपैथिक डॉक्टर गलत नहीं हो सकते सारे साइंसदान गलत नहीं हो सकते सारे सियासतदान भी गलत नहीं हो सकते तभी तो आप वोट देते हो तो किसी भी कौम में ये कैसी बात है कि सारे मौलवी गलत हो गए और एक नौजवान सही हो गया है ये कैसे हो सकता है भाई बात यह कि आपको उसके दलाइल मजबूत इसलिए लग रहे हैं कि आप खुद तहकीक के अहल नहीं हो आपको खुद कुछ नहीं आता जिसको खुद कुछ नहीं आता तो उसको तो कोई भी कुछ कह दे वो मान लेता है आपको आता होता तो आप कहते ना कि ये गलत कह रहा है अब ये मुझ पर कोई तंज करेगा कि मुफ्ती साहब आपको तो आता है ना आप बता देना कहां का गलती कर रहा है एक गलती हो तो इंसान बताए ना एक गलती हो तो बताए फिर इन लोगों में गड़बड़ी है कि इनकी एक गलती बताओ तो ये कहते हैं चलो इसमें हमारा आपसे इख्तलाफ है आपकी राय है हमारी राय है खत्म हो गई बात आगे चलो फिर दूसरे में इख्तिलाफ है तीसरे में तो हम तो सारा जिंदगी फिर यही बैठ के करें क्या तो भाई बात यह है कि गलतियां उसकी बताई जाती हैं उसकी तहकीक पर रद्द किया जाता है जो खुद तहकीक का अहल हो जो तहकीक का अहल नहीं है उसको लिफ्ट नहीं कराई जाती बात आ रही है समझ में भाई तो तू है कौन लोग मुझे कॉल्स करते हैं हजरत आज हमने नेट पे फलां का बयान सुना वो तो ये कह रहा था हम तो ये सुनते थे फिर हजरत आज हमने फलां का सुना वो तो मैं कह रहा हूं तो सुनते क्यों ये तो ऐसा ही हो गया कि आपके गुर्दे में तकलीफ है आप कभी गफ्फ़ार भाई के पास जा रहे हो गफ्फार भाई कह रहे हैं एक तकलीफ गुर्दे में जो पथरी से है गैस से है हालांकि वो गफ्फ़ार भाई ना होम्योपैथिक डॉक्टर है ना हकीम है ना एलोपैथिक फिर आप सत्तार भाई के पास गए यार आप बताओ क्या है वो कह रहे हैं गैस नहीं है भाई ये ये गैस नहीं है ये तो पिते का दर्द है जो गुर्दे में महसूस हो रहा है आपको है भाई फिर आप तीसरे के पास गए चौथे के पास गए अब आप अपनी अब्बा को आके शिकायत करो अब्बा किधर किधर जाऊं मैं जिधर जाऊं वो क्या कहते हैं वो कोई कह रहा गुद्दे गुर्दे में कोई कह रहा पिते में कोई कह रहा पता ही नहीं चल रहा है, ये दर्द कहाँ हो रहा है जब होगा तो फिर ये कि ये इसका इलाज क्या है तो बात की चीज है ना तो अब्बा कहेगा बेटा गफ्फार सत्तार कलीम के पास जाने की जरूरत क्या है डॉक्टर खत्म हो गए दुनिया में है भाई दुनिया से डॉक्टर खत्म हो गए हैं अब आप यह कह सकते हो कि डॉक्टरों में भी इख्तलाफ है मैं डॉक्टर के पास गया वो कह रहा है यह इलाज यह कह तो डॉक्टरों में जब इख्तलाफ हो तो उसको हल करना आसान है एक तो वो इख्तलाफ कम हो जाएगा आई बात समझ में फिर आप ये देखोगे कि स्पेशलिस्ट कौन है गुर्दे का एक आम डॉक्टर यह कह रहा है और स्पेशलिस्ट कुछ और कह रहा है तो किसकी बात को लोगे स्पेशलिस्ट की बात को लोगे आप लो फिर अगर स्पेशलिस्ट में भी इख्त हुआ वह तो होगा नहीं यहां आके बात क्या हो जाएगी सिमट जाएगी इख्तलाफ बहुत कम हो जाएगा दो चार स्पेशलिस्ट को दिखाओगे अक्सर एक ही राय सामने आती है फिर भी अगर इख्तलाफ है तो हम यह कहेंगे कि भाई इनमें जिस स्पेशलिस्ट पर आपका दिल ज्यादा आ रहा है कि यह ज्यादा माहिर है इसके पास तो ये तो अमेरिका से भी होके आ चुका है यह बुढ़ा है बूढ़ा है बूढ़ा होना भी एक अलामत होती है ना कि भाई ये बूढ़ा इसका तजर्बा और इल्म ज्यादा है तो उसकी बात को लोगे ऐसा ही करोगे कि नहीं करोगे तो दीन में भी ऐसा ही है आप एक मुफ्ती के पास गए वो कुछ इधर की फेंक रहा है उसके पास गए वो कुछ दूसरा कर रहा है बोल तो मुफ्ती ही नहीं है वो उधर कुछ खींच रहा है वो यूट्यूब पे एक बयान दाग रहा है दूसरा वो दूसरा बयान दाग रहा है तीसरा तीसरा बयान दाग रहा है तो आप परेशान हो रहे हो तो ये परेशानी आपकी खुद साखता है ये परेशानी अल्लाह ने नहीं दी आपको अल्लाह ने कहा फस अलू अहल जिक्र इनकुन तुम ला तम इलम नहीं है तो अहल इल्म से पूछो और इल्म से मुराद कामिल इल्म है चंद उर्दू किताबें पढ़ के इंसान आलिम नहीं बन जाता इदारों में पैदा होते हैं ओलमा उनके पीछे बड़े बड़े ओलमा की एक हाथ होता है उनका एतमाद होता है हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो मुफ्ती आजम बने हैं पाकिस्तान के वो खुद से नहीं बने हैं उनको ओलमा की एक जमात ने मुफ्ती माना है आलिम माना है हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब मुफ्ती आजम खुद नहीं बने हैं उनको की एक जमात ने सेलेक्ट किया है कि है, है कि भाई आप आप हैं हैं इस काबिल सिलेक्शन हुई थी खुद से कोई भी नहीं आता मैं यहां अगर मेंबर पे बैठ के बात कर रहा हूं तो खुद नहीं बैठा मुझे बिठाया गया यहां पे नहीं यारी बात मेरे ख्याल मुझे मेरे अकाबिर ने बाकायदा इफ्ता खोलने की इजाजत दी है फतवे लिखने की रिटर्न में इजाजत दी है और यह इजाजत दिए हुए छह साल हो गए इसके बावजूद मैं इस इजाजत पर अमल नहीं कर रहा मेरा कोई इदारा नहीं है जहां बैठ के मैं बाकायदा फतवे लिख रहा हूं रिटर्न में क्यों हालांकि मुझे इजाजत मिल दी हुई है कि मैं अपनी स्टैम्प के साथ फतवा जारी कर सकता हूं मुस्तकिल इदारे में फिर भी नहीं कर रहा क्यों इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि जब मुझसे बड़े मौजूद हैं और बड़े इदारे मौजूद हैं तो मैं अपनी डेढ़ इंट का अलग इदारा क्यों खोलू बहुत मुश्किल है समझाना भाई क्या करें कहता हूँ तो भाई जब आएगा कोई मुझसे फतवा लेने तो मैं बड़े इदारे बिनोरी टाउन है जामिया फारूकिया है दारुलम कुरंगी है जामे तो रशीद है तो मैं उनके पास रेफर के भाई उधर ले, ले. अल्लाह ना करे उन पर कोई जवाल आ गया बंद हो गए तो फिर हम खोल लेंगे अभी तक तो जब जरूरत पूरी हो रही है तो मैं क्यों डेढ़ इंट का एक अलग दारुल इफ्ता खोल के अपने मुफ्ती बन के वहां ठप्पे लगा के फतवे देना शुरू कर दू और इसलिए भी नहीं दे रहा कि मैं जब फतवा लिखूंगा तो उसका पूरा बबाल किसके कंधे पर होगा के दिन मेरे ऊपर और जब इदारे से जाएगा तो मैं बड़ी बरी हो जाऊंगा मैं कहूंगा अल्लाह इन्होंने दिया है फतवा आई सुन हालांकि वहां भी मैं ही लिख रहा हूं जामे तो रशीद में मैं फतवा लिखता हूं लेकिन उस पर सिग्नेचर मेरे नहीं होते सिग्नेचर बड़े के होंगे तो जिम्मेदारी किसकी हुई बड़े की जिम्मेदारी हो गई ना तो एक मसल मशहूर ना भाई दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओ तो फतवा भी एक बंदूक है क्यामत में उल्टे लटके हुए हो गए अगर गलत बात गलत फतवा किसी को दे दिया हालांकि मुझे फतवे का, का काम करते हुए सत्रह साल हो गए हैं सत्रह साल से रिटर्न फतवे तहकीक करके लिख रहा हूं नहीं आ रही बात मेरा ख्याल बाकायदा बड़े की निगरानी में उससे पहले आठ साल दरसे निजामी और फतवा नवेसी सीखी है मुफ्ती के राम की मौजूदगी में तीन सौ साठ फतावा थे गालिबन जो हमने फतवे वाले साल में लिखे थे जब फतवा सीखते हैं लिखना तो वो बड़ों के सामने रखते थे उनसे असलाह करवाते थे एक साल में तीन सौ साठ या पैंसठ फतावा थे उसके बाद फिर सत्रह साल बाकायदा ये काम तरतीब से कर रहा हूं मुख्तलिफ तहकी मकाले लिखना तहकी लेकिन अपने नाम से एक भी आज तक शाया बोलो भाई नहीं बड़ों को दिखाया उन्होंने उस पर करेक्शन की ये गलती है ये सही है फला ढिमकाना उनके नाम से वो फतवा शाया होता है तो ये हमारा एक सिस्टम चला आ रहा है सदियों से मैं ये भी तो कर सकता था मैं जब दर्शन से फारिग होता मैं यूट्यूब पर एक चैनल खोलता बोलता अब किसकी चलेगी मेरी चलेगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिर्फ मैं जवाब दूंगा बाकी सारे तेल बेच रहे हैं पकौड़े बेच रहे हैं वो कुरान सुन्नत की रोशनी में जवाब कौन देगा अब मैं दूंगा और मैं एक नई फिल्म बन के आता और नई चीजें मार्केट में लाता खुदा की कसम मेरी शोहरत इससे सौ गुना ज्यादा होती जितनी अब है क्योंकि लोगों को नई नई चीजें सुनने में बोलो भाई मजा आता है मैं एक नई सबसे पहले मैं यह करता मैं कहता तमाम फिरके गलत हैं तमाम फिरके गलत हैं जब यह लेबल लगता मेरे चैनल पे सारी दुनिया सुनती यार ये तो फिर वारियत की कैसी नफी करने वाले इतने अच्छे मौलवी साहब ये किसी फिरके को नहीं मानते सिर्फ किसको मानते हैं इस्लाम को क्या खूबसूरत मौलाना साहब है यार क्या बात की इन्होंने सुबह अल्लाह सबसे सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते उसको फॉरन फिर उसमें बातें क्या होती ये भी गलत वो भी गलत यह भी गलत वो भी गलत सिर्फ कुरान सुन्नत सही है कहते है बात तो सही है यार सिर्फ कुरान सुन्नत सही है अरे भाई जब सिर्फ कुरान और सुन्नत सही है तो फिर ये भी गलत वो भी गलत क्यों फिर तो कुरान सुन्नत से पूछो कि कुरान और सुन्नत की नज़र में सही और गलत होने का मैार क्या है ये जो आपने फरोई मसाइल में कौम को डाल दिया छोटी छोटी बातों पर रफुल्दैन के झगड़ों में आमीन जोर से आमीन इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना ना पढ़ना क्या कुरान और सुन्नत इन इख्तलाफात को हवा देने वाले को और इन चीजों पर क्लिप बना बना के लोगों में फेंकने वाले को क्या कुरान और सुन्नत सही कहता है क्या हदीस से हमें इसके सही होने का पता चलता है नबी अलैहि वसल्लम ने बनू कुरैजा की तरफ एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है याद रखो कुरान सुन्नत की गलत तशरी हो रही है आप किसी आलिम से पूछें बाकायदा तो आपको बताएगा कि आयत का सही मफूम क्या है ये जो कुरान की आयत है ना वाह तसीमु बिहब लाही जमी आऊं वाला तफर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से छमझो फिर पकड़ो फिरकों में ना बटो यहां तफर्रकू का मतलब फिरकों में बटना नहीं है तफरको मतलब लड़ो मत आपस में क्योंकि दो कबीलों में जंग हो रही थी लड़ाई हो रही थी असबियत की बुनियाद पर साहबा के दौर में तो अल्लाह ने कहा कि कुरान की रस्सी को पकड़ो मजबूती से और आपस में लड़ो मत क्या मतलब कुरान कह रहे मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं चाहे कोई किसी भी कबीले का हो तो पंजाबी मुहाजिर से ना लड़े मुहाजिर पठान से ना लड़े आई एक मुल्क के मुसलमान दूसरे मुल्क के मुसलमान से ना लड़े आपस में कोई भी ऐसा काम जो लड़ाई का जरिया बन रहा हो मुसलमानों वो आपस में वो काम मत करो ये मतलब है इसका आपने इसी आयत को मुसलमानों के खिलाफ फिट करना शुरू कर दिया रफूल के झगड़े आमीन खल्फल इमाम के झगड़े अब उससे मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू वो कह वगैरह टांगे चौड़ी करना सुन्नत वगैरह पतली करना सुन्नत दोनों मुनाजरे और गुत्थम गुत्था वगैरह रफुल वगैरह नहीं वो कह वगैरह आमीन वगैरह नहीं वो एक गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के बाद इतना कंफ्यूज होता है कहता है ये कौन सही है कौन गलत है क्या है तो ये मुसलमानों को मुतहिद करने वाली बात हुई हो लड़वाने वाला काम हो रहा है तफर का लफ्ज फिर कवारीत के माने में नहीं है यहां पर तफर मतलब बटो नहीं लड़ो नहीं लड़ो मत आपस में और इसी आयत को बुनियाद बना के क्या हो रहा है लड़ रहे हैं अभी कुछ दिन पहले एक आगा खानी मुसलमान हुए थे उन्होंने मुझे कारगुजारी सुनाई कह रहे कई हमें इस्माइली थे कई आगा खानी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया अब जैसे मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा उन्होंने शुरू कर दी भाई तबलीग में वक्त भी लगाया कि चलो थोड़ा सा ईमान सीख लेंगे वक्त लगाकर आए तो मुख्त लोग टकर गए तुम नमाज ऐसे पढ़ रहे हो ऐसे थोड़ी होती बुखारी में तो ऐसे लिखा हुआ है कोई जमातुल मुसलमिन वाला टकर गया ये तो, ये तुम तो हनफी हैं ये तो शाफी हैं ये तो यूं हैं ये तो यूं हैं ये तो देवबंदी हैं ये तो बरेलवी हैं कुरान तो इन नामों से है उसने तो हमारा नाम मुस्लिम रखा है फिर वही रफुल्दैन वही छोटी छोटी बातें वही इमाम के पीछे फातहा वही वो, ही वो ही जो मसाइल हैं उसमें इतना उलझाया उसने बताया कि कुछ तो ऐसे थे जो दोबारा अ हो गए उन्होंने कहा तुम्हारे तो आपस के इतने अख्तिलात हैं तुम्हें तो ये नहीं पता सही कौन है गलत कौन है हमें तुम क्या ठीक करोगे दोबारा मुर्तद हो गए वो दोबारा मुर्तद हो गए और कुछ क्या हुआ है वो बेपेंदे का लोटा होता है ना लुड़करा होता है <स्थिण> इसको करार ही नहीं होता वो रफुल दैन वाले के पास जाएगा वो उसको दलील लेके चुप करा देता है इधर रफूल ना करने के वाले के पास आएगा तो वो ना करने वाला दलील लेके उसको चुप करा देता है ये इस, उसकी हदीस को जयीफ मैं किसी एक फिरके पे मलामत नहीं कर रहा सब में सब के तरह के लोग हैं वो इसके मतलब के खिलाफ दलील वो इसके मसलक के खिलाफ दलील उस बेचारे से रफुल्दैन ही हल होके नहीं दे रहा मेरे पास जब आता है ना मैं उसे कहता हूं आधी रफुलेन से पढ़ लिया करो आधी बगैर के पढ़ लिया करो आई बस मिजाक करता हूं मैं। एक रकत में यूं कर लो, अगली में छोड़ दो। दोनों चैनल चलाओ तो कुरान ऐसे मौके पे क्या कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो सब मुसलमान हो कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे लड़ाई हो भाई दोनों मसलक चले आ रहे हैं गैर मुस्लिम जो कर रहा है उसे करने दो बोलो ऐसे भी हो जाती है और ऐसे भी हो जाती है वो अगर यूं करके पढ़ रहा है तो ठीक है एक गैर मुस्लिम को मैंने देखा यूं हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा था नया नया इस्लाम कबूल किया था अंग्रेज था हमारे यहां मदरसे आया था यहां हाथ बांधे हुए थे उस मुझे नहीं पता था कि मैं समझा शायद इसको पता नहीं मैंने कहा भाई बांधो तो उसने कहा मैं शाफी मजहब को फॉलो करता हूं मैंने कहा बहुत अच्छी बात माशा खत्म हो गई बात भाई ठीक है तुम फ़िक़ह शाफी को फॉलो करते हो इमाम शाफी भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम थे कोई बात नहीं फिर वो कई महीने हमारे पास रहा है दोबारा हमने उसको बोलो ना भाई नहीं छेड़ा भाई ठीक है यार ऐसे भी ठीक मैं समझा था उसको शायद गलती से सुस्ती में कर रहा हूँ उसका बाकायदा मेरा मजहब ही है तो ठीक है भाई आपका मजहब ही है तो ऐसे कर लो समझ समझने बात को कि नहीं समझ रहे हमारे यहाँ अरब आया करते थे पहले बहुत आते थे सऊदी अरब से लोग जब वो हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के साथ भी खड़े होते थे तो रफुलदैन नहीं करते थे तो हमारे हजरत ने एक दिन को पूछा तुम लोग तो अरब हो अरब तो अक्सर अरब रफुल दैन करते हैं तो आप क्यों नहीं करते उन्होंने कहा कि यहाँ जो है ना एक फ़िका को लोग फॉलो कर रहे हैं तो ख़ाम खाम इख्तलाफ और इंतशार हो तो इसलिए हम फिलहाल उसी फ़िका को फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ राइज है आई बात समझ में तो हजरत ने उनको फरमाया ठीक है इसलिए कर रहे थे कि इख्तलाफ और इंतजार ना होना लोग पूछेंगे ये क्या कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि भाई ऐसे ही ठीक है क्योंकि रफुल्दैन कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं तो हजरत ने फरमाया जब तक आप इस मदरसे में है ना आपको कोई नहीं छेड़ेगा आप कर लिया करें ठीक है जब तक आप इस मदरसे में है आप रफुल्यादैन कर लिया करें जो आपका असल फिका हम्बली जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें मदरसे बाहर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई पकड़ के कूड़ दे या क्या करे मदरसे में आप कर लिया कर तो बड़े हैरान हो रहे थे फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया तो ये जो मसला है ना ये जो कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं एक साहब ने कुरान की आयत पढ़ी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है या यूहदीना मनु अकी वकीूल व उम्र फईन तनाजा तुम फीशी फरुदूह इलासूल ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की इतात करो अगर आपस में तुम्हारा कोई इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ सवाल समझ में आ रहे अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाओ ये नहीं कहा कि मुफ्तियों की तरफ लौटाओ या इमाम अबू हनीफा की तरफ लौटाओ या इमाम शाफी की तरफ लौटाओ या फिर हम में देखो क्या लिखा हुआ है जब भी इख्तलाफ हो तो अल्लाह उसके रसूल यानी कुरान और हदीस से पूछो कि क्या करना है बातें बड़ी खूबसूरत हैं लेबल बहुत प्यारे हैं बहुत अवाम बहुत मुतासर होती है इन दलाइल से भाई कुरान में कहाँ लिखा है कि जब इख्तलाफ होगा तो मुफ्ती से पूछो या फा हन्फी को फॉलो करो या शाफी को कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कुरान तो कह रहा है कि किसको फॉलो करना है अल्लाह उसके रसूल को एक साहब मुझसे ऐसे ही बात कह रहे थे मैंने कहा ठीक है अल्लाह उसके रसूल की तरफ हमने लौटा लिया हमारा अख्तिलाफ़ हुआ रफून पर हो गया या फातिहा पर हो गया या टांगे चौड़ी पतली इस पर हो गया यही चल रहे हैं छिछोरी हरकतें हम लोगों की छोटी छोटी इसमें लड़ लड़के बड़े खुश होते हैं तो इस पर खुश होते हैं माशाला जीत गया जवाब नहीं लाया तो मैंने कहा कि देखो कुरान मजीद ये कह रहा है अच्छा मुझे लोग ये भी कहते हैं अपने मसलक का दिफा कर रहा है मैं अपने मसलक का दिफा कर रहा हूं ये सारे मुसलमानों के दिफा में ये बात कह रहा हूं मैं तो सबका दिफा कर रहा हूं कि भाई सारे ठीक हैं जब तक अकीदा खराब ना हो और वाज बिदत का मुतकिब ना हो कोई अकीदा खराब है गड़बड़ है इस तरह बिदात कर रहे हैं बिदात जिनका कुरान और सुन्नत से सहाबा फुकाहा से कोई सबूत ही नहीं मिलता यहां गुमराही का फतवा लगेगा या इजमा के खिलाफ चल रहा हो कोई पूरी उम्मत एक तरफ और आप बिल्कुल दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं जब तक इतना मसला नहीं है तो फिर सब ठीक है सब चलता है क्योंकि सब कुरानो जब हमने कलमा अल्लाह उसके रसूल का पढ़ लिया तो सब कुरानो सुन्नत ही को फॉलो कर रहे हैं फॉलो करने के तरीके मुख्तलिफ हैं कोई बरह रास्त फॉलो कर रहा है कोई किसी की निगरानी में उसको वास्ता बना के फॉलो कर रहा है जिसको नहीं आता वो तो किसी को वास्ता ही बनाएगा ना तो अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कुरने मजीद की जो आयत है कि तुम्हारा आपस में इख्तलाफ हो जाए तो किसकी तरफ लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो एक साहब मुझे कहने लगे कि आप क्यों फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करते हो आप क्यों फ़िक़ह शाफ़ी को फॉलो करते हो आप क्यों ये तो ये तो कुरान कह रहा है कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाओ मैंने उनसे कहा मैंने कहा देखें अगर हमारा किसी मसले में इख्तलाफ हो हमने अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाया अगर वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा के अख्तलाफ खत्म हो गया और एक राय सामने आ गई फिर तो ठीक है और अगर अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाने के बाद भी इख्तलाफ बाकी रहा क्योंकि जब लौटाया गया तो अल्लाह उसके रसूल की तालीमत हमें दोनों तरह की मिल रही हैं, दोनों तरह की तालीमत मिल रही हैं। यानी है। हदीस या कुरान को की जो फहम है फहम उसमें दोनों मतलब निकलते हैं इधर भी और उधर भी तो इस, इस इख्तलाफ के बाद क्या करेंगे हम यानी वो तो इख्तलाफ खत्म करने का तरीका तो यह है ना अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो लौटाने के बाद भी अगर इख्तलाफ रहा फिर कहा लौटाएं उसको फिर दोबारा लौटाएं क्या भाई लौटाने के बाद इख्तलाफ आ रहा है ना सामने अब इसको कैसे हल करेंगे तो वो जवाब में कहने लगे कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अपने इख्तलाफ को लौटाएंगे तो वह अख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा हमारा इख्तलाफ खत्म हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अब बात समझना आगे जरा टिपिकल बात है मैं सब बता रहा हूं कि जो फिरकवारीत फैला रहे हैं ना इनके दलाइल में कितनी जान होती है ये समझाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मेरा और आपका इख्तलाफ हो गया इस टॉपिक पर मैं ये कहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जब हम अपनी बात को फेरेंगे तो भी बसा अवकात अख्तलाफ बाकी रहता है और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ जब हम अपना इख्तलाफ लौटाएंगे तो अख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा ये मेरा और आपका इख्तलाफ है हम इस इख्तलाफ को अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा के देखते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की बात कुरान और सुन्नत आपकी बात को सही करार दे रहे हैं या मेरी बात को सही करार दे रहे हैं नहीं आई बात समझ में बात आ रही है भाई मेरा दावा यह है कि कुरान और सुन्नत पे पेश करने के बाद भी इख्तलाफ रहता है बसा औकात और आपका दावा है कि इख्तलाफ नहीं रहता तो हम कुरान और सुन्नत से ही पूछते हैं कि रहता है कि नहीं रहता कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि रहता है फिर भी बाकी रहता है इख्तलाफ तो फिर भी रहता है बात फिर था। जब मजीद बाकी रहेगा तो अब क्या करेंगे अब जाहिर किसी एक राय को फॉलो करेंगे दूसरे पर रद्द नहीं करेंगे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते मजीद फिर अगर इसको लौटाएंगे तो क्यामत तक यही करते रहेंगे और किसी और काम के नहीं रहेंगे अब मैं मिसाल देता हूं इसकी हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है बनु कुरैजा की तरफ सहाबा का लश्कर भेजा और साहबा से ये कहा कि तुम में से कोई असर की नमाज उस वक्त तक ना पढ़े जब तक बनु कुरैजा पहुंच ना जाए आ रही है बात समझ में जब तक बनु कुरैजा पहुंच ना जाओ उस वक्त तक असर की नमाज बोलो भाई नहीं पढ़ो अभी हदीस आ गई ना साहबा के हक में तो यह हदीस कतई है कि असर नहीं पढ़नी जब तक बनु कुरैजा ना पहुंच जाओ इतफाक की बात यह है ये हुई कि यह लश्कर रास्ते में था कि असर की नमाज कजा होने लगी अब साहबा के में दो फरीक बन गए एक फरीक ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि असर की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़नी जब तक बनू कुरैजा ना पहुंच जाओ लिहाजा हम असर कजा करेंगे आज दूसरे फरीक का ये कहना था कि नबी का ये मतलब नहीं था कि कजाई कर दो नबी ने ये जो कहा था कि बनू कुरैजा पहुंचने से पहले असर नहीं पड़ती पढ़नी इसलिए कि नबी के इल्म में ये बात नहीं थी कि कजा हो जाएगी क्योंकि वो रास्ते में खतरे होते थे दुश्मनों के जैसे हम किसी को सफर पे भेजते हैं भाई ठिकाने पे पहुंच के तसल्ली से पढ़ लेना नमाज जल्दबाजी ना करना ये मतलब तो नहीं होता ना कि कजाई कर देना तो नबी वो उन सहाबा का कहना यह था उनकी दलील ये थी कि नबी आलम्लैब नहीं है नबी को ये इल्म नहीं था कि कजाई हो जाएगी नबी का इरशाद बरहक है कि असर नहीं पड़नी बनू कुरैजा पहुंचने से पहले मगर इस इरशाद का ये मतलब नहीं है जो आप ले रहे हैं क्यों कुरान के वजाजूस नमाजों की हिफाजत करो खूस दरमिया नमाज की यानी असर की तो असर की तो बहुत अहमियत है नबी ने सारी जिंदगी जानकर असर कजा नहीं की और कजा करने की इजाजत नहीं दी अब कैसे इजाजत दे सकते हैं ये वो सब दलाइल थे जो उन सहाबा के फहम में आ रहे थे जो कह रहे थे कि हम नमाज पढ़ेंगे अब हमारा दौर अगर होता हम क्या करते ये हदीस को नहीं मानता जब इसके सामने हदीस पेश की जाए तो ये हदीस के मतलब निकालता है, है भाई आप लोग की समझ में नहीं आ रहा और बाकियों की समझ में कैसे आएगा ये करते कि नहीं करते जो पढ़ रहे हैं हम कहते हैं ये दारा इस्लाम से भी खारिज ये हदीस के मुकाबले में अपनी राय को फॉलो करते हैं ये असहाब राय हैं ये कूफा वाले हैं ये राय को फॉलो करते हैं ये हदीस को नहीं मानते और वो जो फरीक होता अगर हम दूसरे फरीक में होते पढ़ने वाले हम कहते हैं तुम्हें तो हो, तुम्हें तो हदीस का मतलब ही नहीं पता है हम ये करते कि तुमको तो तुम में तो कॉमन सेंस ही नहीं है भाई नबी का ये मतलब थोड़ी था कुरान में नहीं है कि हाफिदलावाती वसलात दरमियानी नमाज पढ़ो खुद नबी ने कभी नहीं जानकर छोड़ी असर की नमाज इतनी तो सेंस होनी चाहिए और फिर गत्ता फिर भाई ले आ लिया क्लिप ले आ एक बना दे क्लिप फिर एक लाल रुमाल पहन के इस फरीक में होता तो भी एक क्लिप बनता इस फरीक का पीछे मक्का मदीना लिखा हुआ होता ताकि पता चले ये मक्का वाले हैं बाकी सारे दायरे इस्लाम से एक दफा मैंने फेसबुक पे मसला शायद किया तो वो साहब कहते हैं हजरत कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दिया करें क्या आप, आप बगैर दलील के मसला बयान कर मैंने कहा मैं तोरात इंजील की रोशनी में जवाब नहीं देता भाई मैं तौरात इंजील की रोशनी में मेरा यहूदी ईसाइयों से कोई ताल्लुक नहीं है कुरान हदीसी की रोशनी में जवाब दिया जाएगा दलील इसलिए नहीं लिखी जा रही कि एक दिन में दर्जनों मसाइल जब शायद होते हैं तो हर एक की दलील लिखेंगे तो वो लंबा हो जाएगा फेसबुक पे इतनी जगह नहीं होती ये मतलब नहीं होगा दलील ही नहीं है उसकी कोई तो ये दोनों फरीक होते हैं वो भी एक पहनता और वो उस पर हुटिंग करता और वो मुनाजरे और वो वो बनुक तो पहुंचते नहीं पहुंचते तो भाई जिसकी समझ में हदीस का जो मतलब आया उन्होंने वैसे अमल किया एक फरीक ने पढ़ ली दूसरे ने कजा कर ली किसी ने किसी पे मलामत नहीं की तंज नहीं किया ये जब लश्कर वापस लौटा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस का इल्म जब नबी को हुआ तो नबी ने किसी को भी मलामत जुमला मुकम्मल किया करें बहुत अहम बात है किसी तरह दिमाग में घुस जाए तो यूट्यूब के फितरों से आपकी जान छूट जाएगी नए नए जो बच्चे आ रहे हैं ना हर दूसरे कोई छोटा सा मुन्ना उठ के जो है ना किल बना रहा होता है वो सारे ओलमा को गलत कह रहा होता है यही सही है बाकी सब गलत हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में से किसी को मलामत बोलो भाई नहीं की हालांकि एक के पास सही हदीस मौजूद थी कि पढ़नी है सॉरी तो नहीं पढ़नी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि भाई ऐसे मौके पे इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं अब उन्होंने इस इख्तलाफ को सहाबा ने कुरान और सुन्नत ही की तरफ तो लौटाया था ना जब उनका इख्तलाफ हुआ था साहबी का कि पढ़नी है कि नहीं पढ़नी तो इस इख्तलाफ हुआ यह भी तो एक फ्रोई मसला हुआ ना कि नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी तो इस इख्तलाफ को उन्होंने कहां लौटाया और सुन्नत की तरफ लौटाया मगर और सुन्नत की तरफ लौटाने के बावजूद इख्तलाफ खत्म बोलो भाई नहीं हुआ जब नहीं हुआ तो मजीद इस इख्तलाफ को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई अगर दोबारा मजीद कोशिश की जाती तो फिरकवारियत पैदा होती लड़ाइयां पैदा होती झगड़े पैदा होते तो जो लोग इस फिरकवारियत को खत्म करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश करके फिरकवारीत बढ़ा रहे हैं खत्म नहीं कर रहे खत्म वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है वो फिरकवारियत खत्म कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी बयान होती है नबी किसी बात को देख के खामोश हो जाए ना तो ये इसकी अलामत होती है कि सही है तो दोनों सही हैं लोग जो हमसे सवाल पूछते हैं कि यार शाफी भी सही है हनफी भी सही है शाफी तो कहते हैं कि भाई इमाम के पीछे फातिया वाजिब है हनफी कहते हैं जायज ही नहीं है तो दोनों सही कैसे हो गए मैं कहता हूँ दोनों वहां भी तो सही थे ना वो कह रहे हैं नमाज पढ़ना फर्ज है वो कह रहे हैं पढ़ना जायज ही नहीं है बिल्कुल दो मुतजाद राय हैं मगर नबी ने दोनों को सही कहा या नहीं कहा और मजीद आगे चले इस हदीस में इतना बड़ा सबक हमें मिलता है हमारे जो इख्तलाफात आपस में हो रहे हैं वो रफुल दैन करने या ना करने के बारे में हो रहे हैं जो नमाज की एक सिफत है पूरी नमाज नहीं है पूरी नमाज नहीं जबकि सहाबा का जो इख्तलाफ था वो पूरी नमाज के बारे में था मैं आ रहा हूं नंबर लगा रहा हूं वो पूरी नमाज के बारे में था नमाज के किसी एक जुजिया के बारे में हमारा किसी से ये इख्तलाफ नहीं है शवाफे से या किसी और से कि नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी वे पढ़नी है, पढ़नी है हनफी ने भी है शाफी ने भी पढ़नी है सबने पढ़नी है एलहदीस ने भी पढ़नी है पढ़नी सबने है और अक्सर चीजें भी उसकी मुश्तरक हैं फजर में दो रकतें सबने पढ़नी है दो सुन्नत है दो फर्ज है जोहर में चार सुन्नत है चार फर्ज है दो सुन्नत है सबका इतफाक असर में चार फर्ज है सबका इतफाक मगरब में तीन फर्ज दो सुन्नत ईशा में चार फर्ज दो सुन्नत सबका इतफाक रकतों में भी इख्तला इतफाक़ में भी इतफाक सब ने किरात करनी है आगे जाके बहुत मामूली मामूली चीज़ों में वो कह रहे थोड़ा सा चौड़ा होके पढ़ ले भाई वो कह रहे थोड़ा सा सिमट जा है भाई आमीन भी सबने कहनी है ये नहीं कि आमीन कहनी है कि नहीं कहनी भाई सबने आमीन कहनी है वो कह रहा था ऊंची ऊंची आवाज से पंजाबी में कहते हैं ऊंची थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो वो कह रहे थोड़ा सा आहिस्ता नेड़े नेड़े तो पता नहीं क्या हैं बहर आहिस्ता बोल लो इतनी इतनी चीजों पे बैठ के कहना कि ये कुरान को नहीं मानता ये हदीस को नहीं मानता तो मैं मानता हूं ये इसका जवाब ले क्यामत तक जवाब नहीं ला सकता जूतों का हार पहना दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये क्या कर रहा है पब्लिक को लड़वा रहा है इख्तलाफ की आग भड़का रहा है तो हमारा इख्तलाफ क्या होता है नमाज के छोटे छोटे जुजियात में साहबा का इख्तलाफ क्या हुआ था नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी एक फिर दूसरी बात यह कि इख्तलाफ नमाज के बारे में हुआ है इस्लाम में नमाज से अहम कोई चीज है ही नहीं नमाज पढ़ने ना पढ़ने के बारे में तो पता ये चला कि जब नमाज के बारे में इतना बड़ा अख्तलाफ बर्दाश्त हो सकता है तो उससे कम दर्जे की चीजों के बारे में तो अख्तलाफ बी औला उम्मत को बर्दाश्त करना पड़ेगा आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है तो कम दर्जे का है फिर नमाज भी फर्ज नमाज और फिर फर्ज नमाज के कजा करने या पढ़ने और फिर असर की नमाज जिसकी अहमियत बाकी फर्ज नमाजों में सबसे क्योंकि कुरान ने अलग से कहा है हाफिदू सलातिल वस्ता नमाजों की हिफाजत करो खूस दरमियानी नमाज की यानी असर की नमाज की तो ये नबी के दौर में ये वाकया वजूद में लाया गया ये इत्तिफाकी वाकया नहीं है ये इसलिए लाया गया उम्मत को बताने के लिए कि जब कुरान हदीस की तरफ हमने मसला लौटाया उसके बाद भी अगर इख्तलाफ रहा है तो उस इख्तलाफ की नौत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो इतनी बड़ी है कि इस्लाम का सबसे अहम तरीन रुकन फर्ज नमाज और उसमें भी सबसे अहम तरीन नमाज असर की नमाज और उसमें भी सबसे अहम तरीन मसला के पढ़नी है या कजा करनी है उसमें जब इख्तलाफ रवा हो सकता है तो उससे छोटे मसाइल में अख्तलाफ रवा क्यों नहीं हो सकता तो मैंने उनसे कहा कि देखो अल्लाह उसके रसूल की तरफ जब लौटाया तो उसके बाद भी इख्तलाफ बाकी रहा है तो अब दोबारा लौटाएं क्या हम उसको अब दोबारा नहीं लौटाया जाएगा हम यही कहते हैं कि जब साहबा कराम दुनिया में फैले हैं तो जिस साहबी के सामने जो हदीस होती थी वो उसको फॉलो करता था ये शुरू में ऐसा होता था जिस साहबी के सामने जो हदीस आई उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके सामने दूसरी हदीस मौजूद नहीं होती थी ऐसा भी बाज रिवायत में आता है गरीबान खोल के नमाज पढ़ी क्योंकि नबी को गरीबान खोल के नमाज पढ़ते हुए देखा अब ये इख्तलाफ जो है ना उम्मत में फैल गया इमाम लेस रही ने थोड़ा लंबा वाक्य हो जाएगा मैं जल्दी अपनी बात को सिमटाता हूं एक बहुत दिलचस्प वाक्य आया था ये बात समझाने के लिए लेकिन अगर वाकियात में गया तो बहुत लंबी बात हो जाएगी तो अब याद रखो जब ये सहाबा सहाबाता दुनिया भर में गए हैं तो बहुत सारे अख्तलाफा होना शुरू हो गए एक की राय यह होती थी दूसरे की राय यह होती थी तो जैसे हदीसें दुनिया में जब बहुत ज्यादा फैली हैं तो उमर इबन अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया कि हदीसों को मुद्वन किया जाए खरे और खोटे को अलग किया जाए हदीस को बाकायदा रिटर्न फॉर्म में बोलो ना लाया जाए लिखा जाए तो हदीसें मुदउन हुई हैं इमाम अहमद इबन हम्बल की मुसनत थी सबसे पहले इमाम मालिक की में आई तहरी हो गई पूरी उम्मत ने उस परमाद कर लिया अब उन्हीं किताबों को फॉलो करना पड़ेगा ना अब आपको उससे हटने की इजाजत बोलो भाई नहीं है तो इसी तरह कुरानो हदीस से फुका ने मसाइल निकालना शुरू किए इस्तेम करना शुरू किए जब बात करना शुरू किए तो आराम जब सहाबा में इख्तलाफ हो सकता है हदीस समझने में तो आइमा में इख्तलाफ नहीं हो सकता यकीन हुआ उनका। लेकिन सबका इस्तेदलाल कहां से था कुरान और हदीस से इनमें जाहिल कोई भी नहीं था लोग कहते ना उनको वो हदीस ही पता नहीं थी को हदीस ही पता नहीं थी को हदीस ही पता नहीं थी एक आध रिवायतों के बारे में तो ऐसा हो सकता है लेकिन ये कि उनको इतनी मशहूर मशहूर हदीसें उनके इल्म में नहीं थी ऐसा नहीं होता तो की दुनिया में फिर बहस शुरू हुई और फिका मुद्वन होना शुरू हुआ तो उम्मत में चार कायम हो गए जो रिटन फॉर्म में बाकायदा लिख लिए गए एक के बानी इमाम अबू हनीफा थे इसलिए उस मकतब फिकर को फिका हनफी कहा जाने लगा ये कोफा में मुरतब हुआ है क्योंकि कोफा उस वक्त इलमी मरकज था और कोफा में सबसे ज्यादा हदीस का इल्म कोफा में था उस वक्त आप बुखारी और मुस्लिम के रावियों की तादाद में आपको सबसे ज्यादा कोफा के मिलेंगे बुखारी और मुस्लिम जो है ना उसमें रावियों में सबसे ज्यादा तादाद किन की है कोफा के रावी आप जो कुरान जिस किरात पे पढ़ते हो वो कौन सी किरात है कोफा के कारी की किरात है क्योंकि वो हजरत अली के जाने के बाद ना दारुल दारुलखिलाफा बन गया था तो हजरत अली का इल्म सारा वहां ट्रांसफर हो गया था तो कोफा था फिर मदीना में इमाम मालिक का फिका मुद्वन हुआ इमाम मालिक ने बहुत सी हदीसें लिखी मगर उन पे फतवा नहीं दिया इसलिए कि वो ये कहते थे ये अहले मदीना के अमल के खिलाफ है क्योंकि वो ताब़ीन तब तबईन का दौर था वो कहते थे इस हदीस को अहले मदीना फॉलो नहीं कर रहे मैं हदीस नहीं लूंगा अहले मदीना के अमल को लूंगा किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया आप तो हदीस के मुनकिन हैं मस्जिद नबी में एक फितना बैठा हुआ है उर्दू में किसी ने पूछा इमाम मालिक का मजहब है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना वो कह रहे है, इमाम मालिक कौन होते हैं वो कह रहे है, हम नबी की हदीस को फॉलो करेंगे इमाम मालिक को फॉलो नहीं करेंगे हम अब देखो कितने बड़े इमाम पे तंज मार रहे है। अगर इमाम मालिक हदीस के मुनकिर होते तो इमाम मालिक की किताब फिर हमारे लिए हुज्जत रहेगी है भाई भाई वो ये भी तो कह सकता था कि इमाम मालिक ने इस हदीस को इसलिए फॉलो नहीं किया कि अहले मदीना के अमल को वो देख रहे हैं कि वो ये सब हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं तो इस अमल से उन्होंने इस्तेदलाल किया कि नबी की आखिरी नमाज हाथ छोड़ने वाली थी तभी सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो हदीस एक तरफ रखी रह गई कह रहे ठीक है नबी ने हाथ बांध के नमाज पढ़े हैं मैं मानता हूं हदीस में है मगर आखिरी अमल क्या था हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने का ये उनकी राय है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है हम इमाम महा मालिक पर तंजनी करते लिहाजा आपने मक्का में मदीना में बहुत से लोग देखे होंगे हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं हमने कभी किसी पे तंज बोलो भाई नहीं किया इसलिए कि वो भी हदीस है अहले मदीना का अमल ये खुद एक हदीस है मुस्तकिल उस दौर के अहल मदीना आज के नहीं तो ये फिका मुदवन होना शुरू हुआ पांच छह फिका उस वक्त दुनिया में वजूद में आए लेकिन जिनमें जान थी मुदल थे ज्यादा वो ये चार थे मालिकी हनफी शाफी और हमबली ये चार में जान ज्यादा थी बाकी क्या हुए वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए उनके फॉलोवर्स कम हो गए चौथी पांचवी छठी तक बिल्कुल खत्म हो गए कल हो गए वो और उम्मत इन चार पे आके क्या हो गई बोलो भाई जमा हो गई तो ये नहीं कि पहले कोई भी नहीं था बाद में चार बने हैं पहले सैकड़ों थे सिमट के चार में जमा हो गए तब चार में जब जमा हो गए तो अब इनमें जो इख्तलाफ है ये इख्तलाफ कुरान और सुन्नत पे दलाइल को फेरने के बाद हुआ है यानी कोई इख्तलाफ आया तो कुरान और सुन्नत पे फेरा गया उसमें बहुत से मसाइल में इत्तेफाक हो गया और बहुत सो में इख्तलाफ बाकी रह गया अब हम कहते हैं जिनमें इख्तलाफ बाकी रह गया उनको क्यामत तक बाकी रहने दो उसको खत्म करने की कोशिश वरना सिवाय लड़ाई के कुछ भी नहीं होगा वरना आप उधर रफुल दैन के सुनोगे मेरे पास आओगे मैं तरके रफुल दैन के दूंगा फिर जब मैं दूंगा तो आप उनके पास जाओगे जवाब लेने फिर जब जवाब लेके आओगे तो मैं उसका जवाब दूंगा तो मैं भी सारी जिंदगी यही करूंगा और आप भी सारी जिंदगी यही करेंगे इसके अलावा हाथ कुछ भी नहीं आएगा कुछ भी नहीं आएगा ये जो लोग कहते हैं ना मसला हल हो गया हम उधर के दलील जी खामोश कर दिया इसलिए खामोश कर दिया कि दूसरे के पास आके उसका जवाब नहीं पूछा इसने दूसरे के पास आके कोई पढ़ा लिखे के पास आके जवाब पूछते तो वो अब इतना माकूल जवाब देता कि फिर आप वापस जाते फिर वो कुछ देता फिर आप आते फिर वो नतीजा क्या निकलता खुदा की कसम एक रफुल्हदैन का क्यामत तक मसला हल नहीं हो सकता बाकी तो आगे बड़े बड़े पड़े हुए हैं तो इसलिए उम्मत ने इन बहसों की जो फाइलें हैं वो लपेट दी हैं जब ये चार फिका मुदवन हो गए तो उम्मत इस काम से फारग हो गई उम्मत ने कहा अब इन चीजों की तरफ देखने के बजाय इनमें से किसी एक को फॉलो कर लो और बाकी सबको सही समझो आई बात समझ में एक को फॉलो लोग कहते हैं फिर चारों में से चारों को क्यों नहीं चारों को करना मुमकिन नहीं है एक चीज मुमकिन नहीं है जब इख्तलाफ आएगा तो एक को फॉलो करोगे ना आवाम को अगर इजाजत दे दी जाए तो आवाम फिर ख्वाहिशात को गुलाम बना लेगी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाएगी फिर कभी जहाँ आसानी नजर आ रही है उधर लुढ़केगी उधर आसानी नजर आ रही है उधर लुड़केगी इसकी मिसालें हैं वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए भाई एक को फॉलो कर लो इसमें आसानी और सदियों से इस पर अमल होता आ रहा है तो क्या है इसमें कौन सी ऐसी खराबी है भाई हाँ अगर जो है वो इख्तलाफ फैलाना है तो फिर फरोही मसाइल उठाओ फिर आप देख लें कि इंजीनियर साहब आज आए हुए हैं पूरी उम्मत पर कीचड़ उछालना उनका काम है बदतमीजी बड़े बड़े ओला को बाबा कह के और पता नहीं क्या क्या बुरे अलकाब से इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि एक बाबा सातवीं सदी में पैदा हुआ था वो शेखुल इस्लाम बना हुआ है एक बाबा इमाम सब्की पैदा हुआ था वो शेखुल इस्लाम बना ये ये बुजुर्गों के नाम लिए जा रहे हैं आज का पंद्रवी सदी में पैदा होने वाला एक बच्चा इतने बड़े बड़े मशाइख इतने बड़े बड़े अकाबिर का नाम कैसे ले रहा है वो पैदा हुआ था वो यूँ हुआ था तो अपने बाप का जितना एहतराम करते हो कम अज़ कम उतना तो कर लो और फिर आवाम पूछ रही है दलाल मैंने कहा है कौन जिसके दलाल का हम जवाब दें ये कौन से इदारे से फारिग है इसको किसने यहाँ के बिठाया है तो दलाइल के नाम पर कुछ भी कोई भी कर सकता है तो मैं जो बात लेके चला था खत्म करता हूं दलाइल की दो किस्में एक अकली और नकली तो नकली दलील जो है ये भी बाकायदा एक दलील है कि जिसकी नकल मार रहे हैं वो बरहक हो उसका बरहक होना दलील से साबित हो अब आपको पेपर खुद भी नहीं आता और आप किसी की नकल भी नहीं मार रहे तो मरोगे या नहीं मरोगे कीड़ मकोड़े बना के आ जाओगे कीड़ मकोड़े बना अब कोई पढ़ा लिखा जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा ना वो कहेगा ये फेल है पब्लिक देखेगी पब्लिक कहेगी इसने इतना कुछ लिखा इतनी आयतें लिखी तो यकीन ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो पब्लिक की गवाही का एतबार नहीं होता की गवाही का एतबार होता है आज पब्लिक कह रही है कि ये ये मौलवी साहब सही है ये वाले सही है ये वाले सही है ये वाले सही है पब्लिक का एतबार नहीं है पब्लिक का एतबार होता ना तो हमारे एक दोस्त को इतने नंबर ना मिलते हमारे एक दोस्त ने इस्लामियात का पेपर दिया कैसे दिया आपको बताऊँ जल्दी जल्दी हमारे एक दोस्त थे उन्होंने खुद अपना वाक़ सुनाया कह रहे जब इस्लामियात का पेपर मेरे सामने आया तो मेरे औसान खता हो गए मुझे कुछ भी नहीं आता था उसमें लिखा तारीख़ के चंद मशहूर बुजुर्गों पर एक नोट लिखे तो कह रहे मैंने अपने अब्बा पे नोट लिखा अब्बा का नाम था तमीज़ुद्दीन कह रहे हैं हजरत तमीजुद्दीन दामद फला में पैदा हुए आपके इतने कारनामे आपकी किताबों के नाम फजूल फजूल कोई नाम नहीं था वो किताबों के नाम डाल दिए फिर एक बुजुर्ग लाया एक और बुजुर्ग फर्ज किए पता नहीं मौलवी सत्तार हुसैन अतारिया नक्शबंदिया कादरिया लगा दिया उनके आगे कुछ ऐसे करके कह रहे निनानवे नंबर मिले मुझे क्योंकि टीचर ने कहा कि यार कोई ये हमसे भी बड़ा फंटर है

ये समझे कि टीचर इससे भी ज्यादा काबिल है उसने इसकी कही न कहीं ना कहीं कोई गलती पकड़ ली है ये भ्रम रखने के लिए टीचर ने एक नंबर काट लिया कि हम तुमसे कम नहीं है हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है ये चल रहा है मार्केट में भाई तो ओल्मा को फॉलो करो मा के पास जाओ वो ओला जो मदारस से सदियों से चले आ रहे हैं नए नए प्रोफेसर आ रहे हैं किसी ने एक तफसीर लिख दी बैठ के किसी ने एक दरसे कुरान शुरू कर दिया किसी ने एक किताब लिख दी लोग उसको पढ़ रहे हैं उनके लफाजी से लोग मुतािर होते हैं तो ये उम्मत यतीम नहीं है सदियों से हमारे मदारस चले आ रहे हैं अगर गलत होते हैं इनमें तो सही भी इन्हीं में पैदा होंगे जैसे डॉक्टरों में अगर गलत होंगे तो सही भी किस में होंगे डॉक्टर ही होंगे तो इसी तरह अगर मौलवियों में गलत मौलवी हैं तो सही भी मौलवी ही होंगे दीन के लिहाज से उनका दामन छोड़ोगे तो ट्रैक से उतर जाओगे अल्लाह ताला इस उम्मत को फिर कवारीत की लानत से बचाए और इतफाक और इतहाद पैदा फरमाए वो इतफाक जो हमारे नबी हमें देकर गए हमारा खुद साख्ता इतफाक नहीं سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك